हेलो, एसएससी स्टेनोग्राफ 2018। इसकी कट ऑफ प्रिडिक्शन यहाँ पे हम देखेंगे, कितना हम स्कोर लाए हैं जिससे कि सेफ स्कोर रहे कि हम स्किल वाले पेपर में बैठ सकें या फिर हमारा सिलेक्शन हो सके। तो उसको हम देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं कट ऑफ उसको भी देखेंगे, और क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, मतलब हैं जो, जैसे कि कब तक हम भर सकते हैं फॉर्म और कब होगा एग्ज़ाम, उसका थोड़ा बहुत हम आइडिया लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में चलो प्रोसीड करते हैं। फिर देखिए, ये है 2017 की, 2017 की कट ऑफ 141 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की थी। तो ये 141 जो है मिनिमम स्कोर है जो यहाँ से बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं जनरल वाले। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की है 138, 124 है ग्रेड डी के लिए। आपको 138 ला के भी कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। हाँ, स्किल टेस्ट में आप बैठ सकते हो, ठीक है, नो डाउट आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। 141 हैं, आप जनरल से हैं तो ग्रेड सी वाले में बैठ सकते हैं। 134.50 हैं तो ग्रेड डी वाले में बैठ सकते हैं। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो इससे ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो 150+ ही समझे जो स्कोर अपने पास, तो वो अपना मतलब एग्ज़ाम तो दे दिए होंगे, स्किल वाला पेपर हो गया था। अब जो 150, 155, 160 हैं वही अपने आप को समझे, क्योंकि आजकल स्टेनो तो हर कोई सीख ही गया है, और बच्चे कुछ ना तो 5 गुने बुलाए जाते हैं, और 5 गुने में आप देख सकते हो कई बच्चे हैं जो नहीं आते हैं जिनको स्टेनो, बाकी कई बच्चे हैं जिनको फाड़ स्टेनो आती है और एरर फ्री लिखते हैं। तो ये 2017 की कट ऑफ है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को देख सकते हैं। इधर जो है एसएससी स्टेनो ग्रेड डी की है, ये ग्रेड सी की है। ठीक है, अब देखते हैं जो पिछले साल मतलब इससे पहले आई हुई है कट ऑफ, उनकी क्या मतलब कितनी थी। तो 2016 में देखिए जनरल की जो थी 120 थी, ये ग्रेड सी को लेकर बता रहा हूँ मैं। 2015 में 125 थी, फिर 2014 में 130 थी। तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, लेकिन इस टाइम पेपर का पैटर्न जिस हिसाब से था उस हिसाब से ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और बच्चे कितने सेलेक्ट किए गए हैं देखिए, 2014 में 2600, 4200 इसमें, 5000 इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। ये पेपर वन के बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए। तो उसी हिसाब से अपना जो है हम प्रिडिक्शन स्कोर जो बता रहे हैं वो ये है कि जनरल वाले अपने आप को 158+ लेकर आए तो ही अपने आप को सेफ समझें, क्योंकि इजी होगा पेपर, नो डाउट, बहुत बच्चे बैठते हैं। तो इसको इसको हम समझ लें कि 145 भी जाता है, 140 भी जाता है, या 150 भी जाता है, तो आपका हाँ बुला लें ग्रेड सी में, लेकिन ग्रेड सी में बुलाने के बावजूद आपका सिलेक्शन हो जाए ये कोई कंफर्म नहीं है। तो आपको 158+ नंबर लेकर आने हैं जनरल वाले। ओबीसी वाले 150+ या 148+, ये मैंने अपना वो दिया है आइडिया। और SC ST अपने आप को 140 के आसपास ही समझें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें, ठीक है, कि मुझे इंग्लिश में इतने नंबर लाने हैं, GS में इतने नंबर लाने हैं, और अपना जो रीजनिंग वाला है उसमें 45+ तो रहने ही रहने हैं 50 क्वेश्चन में। बाकी ये ग्रेड डी के लिए इस साइड में मैंने ले रखा है, आप लोग देख सकते हैं, और अपना भी कुछ व्यू दीजिए कि कितना रह सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट 22 अक्टूबर से हो चुका है, आपको पता होगा लास्ट डेट है 19 नवंबर। तो आप 19 नवंबर का इंतज़ार ना करें, जिसको भरना है जल्दी से भर लें। और जो मेन इम्पॉर्टेंट डेट है वो ये है, SSC ने रिलीज़ कर दिया कि 1 से 6 फरवरी के बीच में हो जाना है। तो 1 से 6 फरवरी को ही सोच के अपनी तैयारी करें, क्योंकि आज से अगर हम देखें तो दिसंबर और जनवरी ही है आपके पास, और इससे ज़्यादा टाइम है नहीं। तो उसके हिसाब से इंग्लिश में देखो कितना बड़ा पूरा पूरा वो है, बुक है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म करनी है आपको पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्किल एग्ज़ाम नोटिफाई सुन, ये इसके लिए समझ लो 4 महीने का गैप या 5 महीने का गैप मिलता है, आराम से मिल जाता है। फरवरी के बाद होना है आपका, अगस्त वगैरह में ही होना है, अगस्त में ही होता है। हालांकि 2 4 महीने या 3 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन SSC जिस तरीके से ढीला चल रहा है प्रोसेस उसका, तो आपको अच्छा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था, आपको बताइए कैसा लगा वीडियो। बाकी एक बार ये ज़रूर देख लें, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कितनी आपको तैयारी करनी है और कितने किस सेक्शन में कितने नंबर लाने हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।
थैंक यू।